अपने नेपाल दौरे के तीसरे और आखिरी दिन भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 4 नवंबर को जनकपुर पहुंचे। जनकपुर पहुंचकर प्रणब मुखर्जी ने ऐतिहासिक राम जानकी मंदिर में विशेष पूजा की। मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास ने विधि विधान के साथ पूजा कराई। राष्ट्रपति नेपाल के 3 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन पर्यटन स्थल से विख्यात एवं मधेशी बहुल क्षेत्र जनकपुर पहुंचे थे। जनकपुर के तिरहतिया गाछी में अपने अभिनंदन समारोह के मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि नेपाल के जनकपुर एवं भारत के अयोध्या के बीच ऐतिहासिक एवं अटूट संबंध है। ये सीता देवी की धरती है। जनकपुर प्राचीनतम एवं ज्ञान की धरती है। राजा जनक ने जनकपुर में ज्ञान का वातावरण विकसित किया है। सदियों से ये नगरी धर्मों का समागम स्थल रही है। भारत और नेपाल अपनी विशाल संस्कृति सभ्यता की विरासत को मिलकर सहेजेंगे। नेपाल भारत का मित्र देश है। भारत हमेशा नेपाल में शांति सद्भाव की कामना करता है। भारत सरकार नेपाल की जनता के साथ मधुर संबंध को लेकर प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नेपाल की 3 दिवसीय यात्रा को लेकर 2 नवंबर को नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचे थे। NMF न्यूज की रिपोर्ट।